इसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, आपको बार बार दिखते हैं। अगर आपको फॉर्च्यूनर लेना है तो सड़क पर जब भी निकलोगे हर जगह फॉर्च्यूनर ही दिखेगी, तो फिर तुम तो उस शूज़ को ले लेते हो। और इस तरह लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, इस तरह आपके आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स। हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। तो हम आज की वीडियो में यार बेसिकली एड्स को डिकोड कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब खोलते हो या फिर आप कोई भी ऐप खोलते हो, उसमें एक ऐड आता है जिसको आप बेसिकली स्किप कर देते हो। तो आज हम उसी एड्स के बारे में बात करेंगे कि वो हमें एड्स एक्चुअली में दिखते क्यों हैं और उस एड के पीछे साइकोलॉजी क्या चल रही है। मतलब आजकल वो ट्रेंड हो चुका है कोर्स खरीदने का, मतलब बेसिकली आपको कोर्स के एड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऐड दिख रहे होंगे, तो उसके पीछे क्या है रीज़न, उसको डिकोड करेंगे बेस। तो पहले तो हम ये देख रहे होंगे कि वो एड्स जो कोर्स वाले हैं वो बन क्यों रहे हैं। मतलब लोग आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा कोर्स क्यों क्रिएट करें, क्योंकि आज के पहले, आज नहीं मतलब एक दो साल पहले ऐसा तो नहीं था, इतने सारे कोर्सेज तो हमें नहीं दिखते थे। मतलब जब से इंटरनेट आया है और कोर्सेज का बहुत चलन चलने लगा है। तो मैं बताता हूँ, किसी एक पर्सन ने, वो कौन सा पर्सन मुझे नहीं पता, उसने एक चीज़ क्रिएट करी कि अगर आपको 1 करोड़ रुपये बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हो। उसी चीज़ को लोगों ने पकड़ लिया और उसी चीज़ को लेके लोग कोर्स बना रहे हैं। अब वो क्या चीज़ थी वो मैं बताता हूँ। तो अगर आपके पास 100 रुपये का प्रोडक्ट है और उसको आपने 1,000 लोगों को बेच दिया तो आप 1 लाख रुपये बना लेते हो, या फिर आपके पास प्रोडक्ट है जो 1,000 का 100 लोगों का अगर आप बेच देते हो तो आपका 1 लाख रुपये बन जाता है। अब अगर आपको 1 करोड़ रुपये बनाने हैं तो या तो आप 1,000 की चीज़ बना लो और उसको 10,000 लोगों को बेच दो, या फिर 10,000 के कोई प्रोडक्ट बना लो और उसको 1,000 लोगों में बेच दो, तो आपके 1 करोड़ रुपये बन जाएंगे। अब लोगों को बनाने हैं 1 करोड़ रुपए। अब उस 1 करोड़ रुपए को बनाने के लिए ये पूरी चीज़ें चल रही हैं कि लोग कोर्स बना रहे हैं और ये कोर्सेज, ये तो मैंने 10,000 मतलब 10,000 का कोर्स अगर बनाते हो 1,000 लोगों में बेच देते हो, आपके 1 करोड़ रुपए आपका रिवेन्यू जनरेट हो जाता है। ये कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज तो सिर्फ 10,000 नहीं, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के जा रहे हैं और इससे भी ऊपर जा रहे हैं। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, बेसिकली मैं कुछ टाइम पहले एक कोर्स लेना चाहता था, नॉट कोर्स, मैं एक चीज़ सीखना चाहता था। तो जैसे आपके सामने एक ऐड आता ना, मेरे सामने भी एक ऐड आया, जब मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने उनसे बात करा, दैट पर्सन वॉज कॉस्टिंग अराउंड 2 to 2.5 लाख, मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए। तो जेन्युइन बिजनेस हो तो सही है, पर जो कोर्सेज जैसे कि 2-2.5 लाख के कोर्स ही बेच रहे थे। अब ये इनका मेन मोटिव था, इन लोगों ने अपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के कोर्सेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इनके पास जो एक्सपीरियंसेस थे, मैंने ये कह रहा गलत है, पर इनके पास जो एक्सपीरियंसेस थे, इन्होंने उससे एक प्रोडक्ट बनाया और उसको लोगों में सेल कर रहे हैं। तो जो भी आप एड्स देखते हो ना, इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट। अब ऐड के पीछे एक और चीज़ बताता हूँ। अब जैसे ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक देख रहे हो उस पर भी ऐड आ रहा होगा, आप गूगल पे भी खोलो तो उसके भी ऐड आता है, या कोई भी आप वेबसाइट खोले, ब्लॉग खोले, उसमें बहुत सारे ऐड्स आ रहे हैं। तो क्या ये प्लेटफॉर्म फ्री में उनको देती है? नहीं, इन प्लेटफॉर्म की जो अर्निंग आती है ना, इन एड्स के थ्रू ही आती है। अब यूट्यूब का अर्निंग आता है जो वो ऐड चलाता है, एड्स चलाने का नहीं, मतलब जो जिस पर्सन है वो ऐड को पब्लिश करने के लिए बोला कि भाई मेरा ये ऐड है और इसको मुझे कस्टमर्स को शो करना है, ऑडियंस को शो करना है, तो उनसे यूट्यूब कुछ पैसे चार्ज करता है। सेम विद द गूगल, गूगल एड्स भी है कि अगर वो ब्लॉग पे कहीं आपका वो एक ऐड दिखा रहा है, एक एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, तो वो उसके पैसे चार्ज करता है जो पर्सन उसको पब्लिश करवाना चाहता है। तो जितने भी गूगल है, फेसबुक है, इनके जो मेन जो अर्निंग आती है इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आती है। और कैसे आती है कि जैसे ब्रांड्स होते हैं, जैसे ज़ारा हो गया आपका, आप मिंत्रा के बहुत सारे देखते होंगे, तो ये भी इनके इनको पे करते हैं, यूट्यूब इनसे भी चार्ज करता है, और ब्रांड से तो मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है वो भी करता है। तो इनकी जो अर्निंग्स आती है वो इसके थ्रू आती है। अब जैसे आप कोर्सेज खरीदते हो ना, तो जब कोर्सेज में जब पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट के भी कुछ मोड होते हैं, जैसे कि इंस्टामोज हो गया, रिजर्व पे हो गया, इनको वो यूज़ करते हैं। अब इंस्टामोज या रेजर पे उन्हें फ्री में तो नहीं बोलेगा कि भाई तुम कोर्स बेचो और तुम्हारे पेमेंट में फ्री में कराऊंगा, वो भी उनसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। तो जितने भी आप, जैसे कि मान लो अगर आप 15,000 का कोर्स खरीदते हो ना, तो उसमें जो कोर्स क्रिएटर होता है, जिसने कोर्स बनाया होता है, उसकी कुछ अर्निंग होती है। मतलब अगर 15 है तो मान सकते हो कि 10 होती होगी या 8,000 होती होगी, और जो बाकी पैसे हैं उसके उसके एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं, उसको इन कमीशंस को देने में जाता है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो ऐड चला रहा है उस पे जाता है, मतलब बेसिकली मार्केटिंग पे जाता है। तो ये जो भी चीज़ें देख रहे हो आप, बेसिकली जो कोर्सेज वाले, ये यही है कि इन्हें बनाने हैं पैसे, और इन्होंने पैसे बनाने के लिए यही चीज़ चूज़ करी है कि वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और शायद बहुत लोग बोल सकते हो कि अरे इसमें कोई गलत है क्या, मैं भी नहीं कह रहा कि नहीं बिल्कुल गलत, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसको अगर सेल करके पैसे कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज़ द चार्जेस, ठीक है, जो चार्जेस हो रहे हैं और हम लोग उस चीज़ को पे कर रहे हैं, जो कि जो चीज़ हम फ्री में सीख सकते हैं ना, उसको हम पे कर रहे हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब इज़
द बेस्ट यूनिवर्सिटी। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है वो हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी है, जस्ट यू नीड योर डेडिकेशन एंड द फोकस कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो यूट्यूब खोल कर तुम बहुत आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। उसके लिए तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक और चीज़ बताता हूँ इसमें कि आपको कई बार देखा होगा आपने कि एक ही ऐड आपको बार बार दिखता है, बार बार दिखता है, नहीं चाहते हो भी बार बार दिखता है तो उसको आप स्किप करते हो। वो बार बार क्यों दिखता है, उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, वो मैं बताता हूँ। तो क्या है ना, मार्केटिंग में साइकोलॉजी है कि अगर किसी पर्सन के सामने एक ही चीज़ बार बार आए तो उसको लगता है कि यार मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आपको बार बार दिखती है। अगर आपको फॉर्च्यूनर लेना है तो सड़क पर जब भी निकलोगे हर जगह फॉर्च्यूनर ही दिखेगी, तो फिर तुम्हें लगता है कि यार ले लेता हूँ। नहीं चाहते हुए तुम्हारा मन बोलता है तो पैसा खर्च कर देते हो। ठीक, ऑनलाइन बताता हूँ, जब आपके किसी मिंत्रा पे आपने देखा हो आप कोई एक शूज़ देखते हो, अगर आपने उसको विश लिस्ट में ऐड कर दिया है, तो जब भी कोई आप ऐसी ऐप खोलते हो जिसमें एडवर्टीजमेंट चलती हैं, मतलब नॉर्मल भी ऐप्स में एड्स आती रहती हैं, तो उसमें वो शूज़ आपको दिखेगा 67% ऑफ, 98% ऑफ, 75% ऑफ। वो बेसिकली क्या होता है ना कि जब जो मिंत्रा ऐप है, नॉट ओनली मिंत्रा, मैं किसी स्पेसिफिक ऐप को नहीं बोलूँगा, फ्लिपकार्ट भी, अमेज़न भी, जो भी ऐप है, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले, उनके पीछे एक AI टूल लगा हुआ है कि वो आपके पसंद को कैप्चर कर लेता है कि भाई इस बंदे ने इस प्रोडक्ट पे इतना टाइम लगाया था, वो इतना रिसर्च कर रहा था, उसने रिव्यूज़ देखा था, ये देखा था, सब देखा था, मतलब इस पर्सन को ये शूज़ पसंद है, तो इसको बार बार दिखाओ। तो होता क्या ना कि जब जो भी आप ऐप खोलोगे उसमें वो दिखेगा, वो शूज़ बार बार दिखेगा तुम्हें, तो क्या होगा, एक बार तुम्हें लगेगा ले लेता हूँ, मतलब 67% ऑफ है, होता नहीं है वैसे, मतलब वो कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं करती है, मैं बता देता हूँ, बस वो तुम्हें एक ना तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो दे देते हैं, तो फिर तुम उस शूज़ को ले लेते हो। और इस तरह लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, इस तरह आपके आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स। और ये इसमें कुछ क्या गलत है क्या, मतलब देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा यार, किसी का भी बिजनेस चलेगा, उसको मार्केटिंग करेगा ही करेगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा कि गलत है या कुछ भी है। और मतलब आज के टाइम पे तो लोग इससे भी गलत गलत काम कर रहे हैं, ये गलत नहीं कहूँगा, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पर लोग इससे भी ज़्यादा गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे जो आपने बहुत हार्ड वर्क करके जो कमाए हैं उसको हम यूं ही ना खर्च कर रहे हैं, उसको सही जगह खर्च कर रहे हैं, और हमें पता हो कि हम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसे क्यों ही खरीद रहे हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ खरीदो, बस क्योंकि वो आपके सामने बार बार आ रहा है इसलिए मत खरीदो, थिंक, बैठो, सोचो, फिर उस चीज़ को खरीदो। जो भी आपको सेल कर रहा है बेसिकली जो प्रोडक्ट, वो हमेशा आपके उनको भाई ट्रेन किया जाता है, मैं बता रहा हूँ, जो बाकी हैं, मतलब जो कोर्सेज बेच रहे हैं उन्होंने भी बहुत पढ़ाई करी है कि कैसे हमें इंसान के साइकोलॉजी के साथ सीखना है, कैसे हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो क्या हम उनसे जीत पा रहे हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यार मुझे ज़रूरत है इस कोर्स की या इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तभी मैं ले रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ। तो आई होप कि आपको एडवर्टीजमेंट का जो चक्रव्यूह है, जो एडवर्टीजमेंट का जो खेल है, वो थोड़ा समझ में आ रहा हो, और ये कोई हेट या कुछ ऐसा नहीं है, बट बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप इस चीज़ की नॉलेज हो आपको कि बेसिकली आप जो सामने देख रहे हो वो क्यों देख रहे हो और इसके पीछे क्या हो रहा है। तो आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।